हाय गाइस, मैं हूँ सीता और आपका स्वागत है मेरे चैनल हेल्दी ट्विस्ट में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बनाना ओट्स कुकीज। ये बहुत हेल्दी होती है, टेस्टी बनती है। जब आप ये कुकीज खाएंगे तो आप बाहर की कुकीज खाना भूल जाएंगे। ये बच्चों को और बड़ों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कैसे बनाते हैं। मैंने लिए है 3 बनाना, 2 कटोरी ओट्स लिए है, इनको पहले से मैंने ड्राई ओट्स करके रख लिया था। 12 से 13 मैंने किशमिश ली है, 12 से 13 ड्राई बेरीज, रेड बेरीज, ब्लू बेरीज लिए हैं, और 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स पाउडर, 1 चम्मच चिया सीड्स, आधा चम्मच कोकोनट ऑयल, 1 चम्मच ब्लैक सीसमे सीड्स, और मैंने ये 14 से 15 काजू लिए थे, उनको आधा घंटा भिगो के मैंने इसको मिक्सी में पीस लिया था। तो सबसे पहले अब हम बनाना को पील कर लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो इसमें आप पम्पकिन सीड्स भी यूज कर सकते हैं, और कोकोनट को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, या फिर कोकोनट पाउडर भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, और जैसे अखरोट वगैरह यूज कर सकते हैं। आप अगर सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे तो और भी अच्छा टेस्ट आएगा कुकीज में। तो अब हम यहाँ पे केला का छोटा छोटा टुकड़ा कर लेंगे और हम केला को अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे मैश कर लीजिए। तो अभी मेरे पास मैशर नहीं है तो मैं हाथ का ही यूज करूँगी। तो हाथ से हम इसको मैश कर लेंगे अच्छे से बनाना को। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये कुकीज बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप इन कुकीज को सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, शाम के नाश्ते में भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। तो केला को हमने अच्छे से मैश कर लिया है तो हम इसमें डाल देंगे। चिया सीड्स डालेंगे, रेजिन्स, ड्राई बेरीज, कोकोनट ऑयल, एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा ये बैटर ऐसा होना चाहिए कि इसको हम एक शेप दे पाए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गाइज, इसमें मीठा डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि बनाना की जो स्वीटनेस होती है वो काफ़ी होती है, और ये शुगर फ्री होते हैं क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद नहीं करते हैं। तो अगर किसी को शुगर है तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बिस्किट्स के लिए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा देसी घी डालेंगे और इस ट्रे को ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के लिए आप चाहे तो प्याज का यूज भी कर सकते हैं, उसको हाफ काट के उस पर घी लगा के, या फिर वेजिटेबल ऑयल लगा के ग्रीस कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा हाथ पे भी लगा लेंगे घी, और थोड़ा सा लेके हम इसको एक शेप देंगे। मैं कुकीज का शेप दूंगी गोलाई में, आप चाहें तो कोई और शेप भी दे सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखिए, हमने इसको गोल शेप दे दिया है। अब हम एक एक करके ऐसे ही कुकीज का शेप देंगे।
तो हमने सारे कुकीज यहाँ इसमें बना के रख लिए हैं। अब हम इनको रखेंगे ओवन में और 5 मिनट के प्री हीटेड ओवन में रखेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस के प्री हीटेड ओवन में। तो मैंने ओवन को पहले से ही प्री हीट करके रखा हुआ है। जो सबसे ऊपर वाला फंक्शन है वो है 200 डिग्री सेल्सियस और जो बीच वाला है वो अपर लोअर मोड, और सबसे नीचे वाले को हम अब 20 मिनट्स के लिए इसको सेट कर देंगे। और एक बार हम इसको बीच में अब चेक कर रहे हैं, 20 मिनट्स पूरे हो गए हैं। तो हमारी कुकीज बनकर तैयार है। सबके OTG ओवन अलग अलग होते हैं, तो एक बार जब आप ये बनाएं तो बीच में आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी कमी लगे तो आप उसे दोबारा थोड़े समय के लिए 5 या 10 मिनट के लिए फिर से रख दीजिएगा। तो कुकीज हमारी बनकर तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।